हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल का पेज है। यहां पे राइट साइड में जैसे कि आप देख सकते हैं रेड बटन है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ये रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में ये बेल आइकन जो देख रहे हैं आप, इसे भी प्रेस करके यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही हमारे चैनल पे कोई भी एक नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होगा, इमीडिएटली आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर अभी हमने नया एक ये स्टार्ट किया है बेसिक वीडियोस। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक के जो वीडियोस है, यहाँ पे आपको काफी सारे बेसिक कोर्स के वीडियोस मिलेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि जितना भी काम आप करते हैं उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आई बैटरी कनेक्टर को कैसे रिमूव करना है, या फिर ईएमएमसी आईसी को कैसे रिवॉल्व करना है, या कोई शील्ड निकालना है, या पत्रा निकालना है, या फिर बैटरी कनेक्टर निकालना है। ये बेसिक काम आप यहाँ पे वीडियोस में देख के आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे काफी सारे वीडियोस है, चाहे सॉफ्टवेयर की बात हो, चाहे ईएमएमसी प्रोग्रामिंग की बात हो, चाहे हार्डवेयर का कोर्स हो। जो बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक अच्छे लेवल पे काम सीख रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी बैचेस है बच्चे एक हाई लेवल पे यहाँ पे काम सीखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा हार्डवेयर में आपको डबल डेकर, ब्लैक पेस्टेड सब कुछ यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाब के स्टूडेंट जो कि डबल डेकर इन्होंने डन किया है, या जाने के बाद अभी 2 से 3 हैंडसेट ये ऑलरेडी बना चुके हैं। तो एक हाई लेवल का आपको ट्रेनिंग मिलेगा। तो ये सब कुछ सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद। डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, कॉल करके अपनी सीट बुक करा लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हम शुरू करते हैं, जो कि हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 8 प्रो हैंडसेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं आपको आज लाइट और ग्राफिक आईसी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहाँ पे वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए, ताकि आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप डायग्राम मैंने खोल लिया है Redmi Note 8 Pro, ये इसका लेआउट है। लेआउट में क्या होता है फ्रेंड, जो भी आईसी होती है उसका एक उस पर नंबर लिखा होता है, और इसके अलावा कोई भी कंपोनेंट्स होते हैं तो हर कंपोनेंट में, जैसा आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सबका कुछ ना कुछ एक नंबर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं C6315 ये कैपेसिटर है, ये R से जितने भी होंगे ये रेजिस्टर्स होंगे 6318, और D से जितने भी होंगे डायोड होंगे, या फिर TVS करके लिखा होगा, TVS भी डायोड होता है, ZD लिखा होता है, ZD से भी डायोड आता है आपको। और आईसीयां जितने भी आपको मिलेंगी फ्रेंड्स, U से नंबर होगा, U602 जो है ये एक आईसी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं U5501 ये भी एक आईसी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं L615 ये जो होता है फ्रेंड्स, ये एक कॉइल होता है, बूस्ट कॉइल, जिसको हम L से मेंशन करते हैं। और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं DS60, तो यहाँ पे एक डायोड लग के है। तो इस तरह से आप कोई भी कंपोनेंट को पहचान सकते हैं कि कोई मिसिंग हो जाता है, या फिर उसका वहां पे क्या कंपोनेंट लग के था। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो यहां से लेआउट में से आप देख सकते हैं कैपेसिटर था कि रजिस्टर था, या फिर कॉइल मिस हो चुका है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कनेक्टर्स जितने भी होंगे आपको यहाँ पे जे से कनेक्टर देखने को मिलेंगे। जैसा आप देख सकते हैं ये सिम ट्रे यहाँ पे जे से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं आपको बी साइड लेकर जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चार्जिंग का कनेक्टर होता है ये भी J6805, बैटरी का कनेक्टर है J5400, इसके अलावा डिस्प्ले का कनेक्टर है J6400। मतलब कनेक्टर्स जितने भी होंगे जे से स्टार्ट होंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे कनेक्टर्स होते हैं, चाहे फिंगरप्रिंट का हो या फिर जो भी हो। इसके अलावा साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट पॉइंट बना हुआ है, ये कुछ टेस्ट पॉइंट होते हैं टीपी जहां पे लिख के होता है। तो फिर इस तरह की सर्किट की नॉलेज अगर आपको सीखना है, ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद। डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, हमसे जुड़ जाइए, हैंड स्किल और सर्किट की एक प्रॉपर नॉलेज आपको देंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे बताना चाह रहा था आपको कि लाइट और ग्राफिक आईसी यहाँ पे किस तरह की है, तो हम उसको पूरा डिटेल में देखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कुछ डायग्राम्स बना के रखे हैं, ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से बनाना है, कैसे चेक करना है, कैसे ये सर्किट काम कर रहा है, ये आपको हम सिखाएंगे। ये एक ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाया है जो कि लाइट और ग्राफिक आईसी एक ही है नोट 8 प्रो में, जो कि MediaTek चिपसेट का CPU है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको बॉल की डिटेलिंग चाहिए तो यहाँ पे अगर बॉल देखें आप तो इसमें 24 बॉल यहाँ पे है, जैसे कि आप देख सकते हैं
24 बॉल यहाँ पे है, 24 बॉल का ये एक आईसी है जो कि लाइट प्लस ग्राफिक के लिए दोनों के लिए वोल्टेजेस बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले कनेक्टर हमने बना लिया है, तो इसमें जो लाइनें आउटपुट होती है वो यहाँ पे हमने लिख दिया है, एनोड की लाइन, कैथोड के, कैथोड वन, कैथोड टू, कैथोड थ्री। इसके अलावा यहां से पीडब्ल्यूएम सिग्नल जो है यहां से आपको आउट होता है ड्यू टू से, जिसको हम पल्स विद मॉड्यूल बोलते हैं, या फिर सीएबीसी भी कहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा, कंटेंट एडाप्टिव ब्राइटनेस कंट्रोल। इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पे वीएसपी और यहां पे वीएसएन, ये वोल्टेज सिस्टम पॉजिटिव जो कि प्लस 5 वोल्ट है, और एक वीएसएन है जिसको वोल्टेज सिस्टम नेगेटिव बोलते हैं, जो कि ये डिस्प्ले बायस आईसी से होकर के डिस्प्ले के लिए आता है। तो इस आईसी को वर्क करने के लिए सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हैं डीसी टू डीसी जो कि चार्जिंग आईसी से यहां पे एक कॉइल के थ्रो यहां पे F4 और एक कॉइल के थ्रो यहां पे D4, दोनों में यहां पे इनपुट हुआ है वोल्टेज जो कि हमारा स्विचिंग वोल्टेज है यहां पे, और यहां पे VPH जो लाइन होती है हमारी जो कि 3.6 से 4.2 4 वोल्ट की जो लाइन है चार्जिंग आईसी से पहले इस आईसी को इनपुट दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये बॉल के अंदर हमने एक एक बॉल का एक एक नाम दिया है और सबके ऊपर कुछ ना कुछ सप्लाई हमने लिखी है, तो ये किस तरह से बनाना है ये अगर आपको सीखना है तो ज्वाइन करना होगा हमारा इंस्टीट्यूट, आपको एक एक चीज बॉल की डिटेलिंग आपको बताएंगे। ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये हमने बनाया है यहां से देख करके, ये देख सकते हैं आप, यहां पे मैं लिख दूंगा वीएसएन और यहां से मैं पहुंच जाऊंगा ग्राफिक आईसी के पास, यहां से मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाहूंगा, तो यहां पे आप देख सकते हैं मैं पहुंच जाऊंगा, ये एक आईसी है ग्राफिक आईसी जिसका नंबर है U6419। तो मैं डायरेक्ट कैसे इसको ढूंढ लिया ये सब आपको क्लास में सिखाऊंगा मैं, U6401, ये एक लाइट और ग्राफिक के लिए आईसी है, U6419 यहां पे डालेंगे और यहां पे डायरेक्टली सर्च करेंगे। तो यहां पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये सीपीयू के जस्ट नीचे एक आईसी लग के है U6419 जो कि लाइट और ग्राफिक बायस आईसी है, तो इसी आईसी से हमारा दोनों लाइट और ग्राफिक दोनों यहां पे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आईसी है इसके अंदर जो नोट 8 प्रो में जो है डिस्प्ले लगा है ये आईपीएस डिस्प्ले है, तो आईपीएस डिस्प्ले के लिए आपको ये सारी सप्लाईयों का होना बहुत जरूरी है, और हम यहां पे आपको ब्लॉक डायग्राम में मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये अगर आप बनाना सीख लेंगे कोई भी हैंडसेट आप रिपेयर कर सकते हैं। ये जो सर्किट की नॉलेज होती है फ्रेंड्स ये आपको क्लास में सीखने मिलेगी, ये हम एक एक बच्चे से हम हाथ से बनाने लगाते हैं कि कैसे आपको सारा डायग्राम को समझना है, कैसे एक एक बॉल के अंदर कौन से बॉल आईसी का, यहां पे मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया है और जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं ये 24 बॉल के आईसी में कहां से कैथोड वन, कैथोड टू, कैथोड थ्री आउट हो रहा है, कहां से एनोड की सप्लाई आउट हो रही है, बीच में क्या कॉम्पोनेंट मिल रहे हैं, सीरीज में मिल रहे हैं या पैरेलल में मिल रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स इसको वीपीएस सप्लाई यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे B1 में इन हो रही है, वीपीएस इन जैसा हमने यहां पे बनाया है। इसके अलावा यहां पे F4 और D4 में यहां पे VPH सप्लाई जो है यहां से दो कॉइल के थ्रू इन हो रही है। इसके अलावा यहां से पॉजिटिव और यहां से नेगेटिव प्लस 5 माइनस 5 यहां से आउट हो रहा है। इसमें I2C लाइन आती है इसमें जैसे आप देख सकते हैं, SCL सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा। इसके अलावा फ्रेंड्स LCM के EN सिग्नल आते हैं इसमें, EN1 और EN2 दो यहां पे इनेबल सिग्नल आ रहे हैं। इसके अलावा PWM लाइन जो पल्स विद मॉड्यूल की लाइन होती है हमारे, जहां पे हमारा यहां पे देख सकते हैं यहां पे सिग्नल जो होते हैं इसके यहां से आउट होते हैं। तो ये सब कुछ एक एक बॉल की डिटेलिंग कैसे बनाना है आपको ये बनाना हम सिखा देंगे आपको, तो ये अगर आप सीख लेंगे फ्रेंड्स, चूंकि फ्रेंड्स आपके पास कोई भी सेट आता है लाइट या ग्राफिक के प्रॉब्लम के लिए, आप 2 से 3 आईसी बदल दिए, चार्जिंग आईसी बदल दिए, सीपीयू रिवॉल्व कर दिए, ग्राफिक आईसी को रिवॉल्व कर दिए, इसके बाद भी अगर आपको बनाने नहीं आ रहा है तो हम ये आपको सिखाएंगे एक एक ट्रैक को चेक करना आईसी के अंदर बॉल तक, क्या वहां पे जीआर वैल्यू आनी चाहिए, कितना वोल्टेज आना चाहिए, वोल्टेज कब आएगा, I2C लाइन कैसे काम करती है, EN सिग्नल कैसे आता है, PWM लाइन कैसे काम करती है, ये सब कुछ आपको हम क्लास में यहां पे सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं मैंने यहां पे आपको एक सोल्यूशन दिया है, इसको देख करके आप बना सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की आईसी आती है 24 बॉल की, तो यहां पे फ्रेंड्स देख सकते हैं सीपीयू से जो लाइनें आ रही है यहां पे हमने लिखा है, जो कि एक I2C लाइन है, प्रोटोकॉल है, एक सीरियल डाटा और एक सीरियल क्लॉक की लाइन यहां पे इस ग्राफिक आईसी को मिलेगी। इसके अलावा
EN1 और EN2 दो इनेबल सिग्नल आपको यहां पे इस ग्राफिक आईसी को आएंगे। इसके अलावा एक पल्स विद मॉड्यूल की लाइन जो है सीपीयू के साथ कनेक्टेड है, यहां पे आप देख सकते हैं 1.8 वोल्टेज वाली। इसके अलावा एक एलईडी HWEN, यहां पे आप देख सकते हैं एलईडी हार्डवेयर इनेबल करने के लिए, जो कि एलईडी का हार्डवेयर सेक्शन है, इनेबल करने के लिए यहां पे एक सिग्नल आता है जो कि सीपीयू से, जहां पे आपको 1.8 का वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। तो ये यहां पे आपको सबसे पहले ये सारी सप्लाई पहले बनानी है आईसी के अंदर। अगर आप आईसी पे आईसी चेंज कर रहे हो उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये सारे के सारे 6 बॉल आपको सीपीयू के चेक करना है। उसके बाद डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो हमारी आईसी होती है, वहां से एक वीपीएस लाइन इन होती है इस आईसी के इनपुट सप्लाई, जो कि वोल्टेज इनपुट सप्लाई होती है। तो यहां पे देख सकते हैं दो बूस्ट कॉइल के थ्रू इन हो रही है, एक डिस्प्ले के लिए और एक लाइट के लिए। उसके बाद यहां से यह स्विचिंग होगी और स्विचिंग होने के बाद डायोड के एनोड के सिरे पे ये यहां पे इनपुट होगा और कैथोड से आपको ये वोल्टेज बूस्ट वोल्टेज मिलेगा। और यहां पे एक लोड कैप लगा होगा 100% यहां पे, जो कि हमारी लाइन कहलाती है वो एलईडी एनोड लाइन, जिसको हम पॉजिटिव लाइन भी बोलते हैं, जहां पे आपको बूस्ट वोल्टेज देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स इसी आईसी के साथ डिस्प्ले कनेक्टर तक आपको कैथोड 1, कैथोड 2 और कैथोड 3, यहां पे तीन कैथोड की सप्लाई आपको कनेक्टर के साथ देखने को मिल जाएगी। आईसी के अंदर तीन बॉल के साथ आपको कैथोड सप्लाई मिलेगी, जैसा कि 1, 2, 3। यहां पे मैं आपको इमेज में भी बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं कैथोड 1, कैथोड 2 और कैथोड 3 जो है F1, E1 और D1 से यहां से आउट होती है, कनेक्टर तक जाती है। और जो हमारी एनोड की सप्लाई है F4 और F3 दोनों आपस में जुड़ के हैं, और F2 जो है ये फीडबैक पिन है फ्रेंड्स, यहां पे ये फीडबैक के लिए रखा जाता है कि बूस्ट वोल्टेज बने हैं कि नहीं बने हैं चेक करने के लिए। उसके बाद ये जो सप्लाई है हमारी डिस्प्ले के कनेक्टर तक पहुंचती है, जो कि हमारी बूस्ट सप्लाई है। तो चलिए वापस से यहां पे आते हैं और आकर के देखते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इस आईसी से जो आउटपुट निकलती है, इतनी सारी लाइन है पीडब्ल्यूएम लाइन, जो कि कनेक्टर के साथ कनेक्ट है पल्स विद मॉड्यूल, जहां पे आपको डाटा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पे वीएसपी और वीएसएन, जहां पे एक पॉजिटिव 5 वोल्ट और एक अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव 5 वोल्ट यहां पे कनेक्टर पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि डिस्प्ले के सप्लाई होती है। तो ये एक छोटा सा सोल्यूशन आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। ये सब एक अगर आपके पास सेट आते हैं, आप आईसीओं पे आईसीआर चेंज कर रहे हैं, इसके बाद भी आपका सेट रिपेयर नहीं हो पा रहा है, आप आईसी बदल रहे हैं, ग्राफिक आईसी बदल दिए, चार्जिंग आईसी बदल दिए, पावर आईसी बदल दिए, सीपीयू रिवॉल्व कर दिए, डिस्प्ले दूसरा लगा के देख लिए, इसके बाद भी आपका काम नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, आप फोन फिक्स हैदराबाद की टीम के साथ जुड़ जाइए। हम आपको सिखाएंगे कि प्रॉपर वे में, एक प्रोफेशनल वे में काम कैसे किया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स फोन फिक्स हैदराबाद में जितने बच्चे आते हैं, जाकर के एक हाई लेवल पे, एक एडवांस लेवल पे काम करते हैं, एकदम चिप लेवल पे काम करते हैं, जिसमें आईसीओ की नॉलेज हम उनको देते हैं, सर्किट की नॉलेज हम उनको देते हैं, एक एक बॉल के बारे में उनको सिखाया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हैंड स्किल का काम उनका इतना बेटर हम कर देते हैं कि कोई भी आईसी निकालने से आप कभी डरेंगे नहीं। रिबॉलिंग बहुत आसान, वन वे में आप एक शॉट में आप आईसी रिबॉल कर लेंगे, चाहे पेस्टेड आईसी खोलना हो, चाहे व्हाइट पेस्टेड हो, येलो पेस्टेड हो, ब्लैक पेस्टेड हो, ओप्पो वीवो का हार्ड ग्लू हो या वन प्लस का हार्ड ग्लू हो, बहुत ही इजी वे में आप क्लीन कर लेंगे, ये हम आपको सिखाएंगे। अभी फ्रेंड डबल डेकर का काम चल रहा है, उसका भी हमने क्लास रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट डबल डेकर हम सिखा रहे हैं एमएमसी के अंदर बेसिक में। तो बेसिक की क्लास में डबल डेकर का काम होता ही है, साथ ही साथ हम फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं फ्रेंड्स। हम इंडिया में पहली बार हम फ्री ऑफ कॉस्ट डबल डेकर का काम सिखा रहे हैं, जो कि एमएमसी के अंदर हम फ्री सिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे बच्चों के लिए हम एक नया नया कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ लेकर आते रहते हैं कि कैसे बच्चे अपने आप को अपडेट कर सकते हैं कम से कम फीस में। हमारा एंड्रॉइड का जो बेसिक टू एडवांस कोर्स है उसमें भी बहुत कम फीस रखे हैं और एमएमसी के अंदर भी बहुत कम फीस रखे हैं, और बहुत ही जल्द बहुत ही कुछ नया लेकर आने वाले, एक बड़ा अपडेट लेकर आएंगे। जुड़े रहिए फोन फिक्स हैदराबाद टीम के साथ। दोस्तों इसके अंदर बताने के लिए आपको बहुत कुछ है, डिस्प्ले सेक्शन काम कैसे करता है और क्या सप्लाइयां चाहिए, जो कि मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा, लाइव आपको प्रैक्टिकल हम रिपेयर करके बताएंगे एक एक चीज। हम आपको हैंड स्किल का काम हो या फिर लाइव हम हॉट टेस्टिंग, कूल टेस्टिंग, एवरीथिंग आपको हम क्लास में सिखाते हैं। 10 घंटे का डेली क्लास होता है। इस वीडियो में मैंने आपको छोटा सा एक सोल्यूशन दिया, एक हिंट दिया है फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। इसी तरह के बहुत ही जल्द हम बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे आप सबके लिए। जुड़े रहिए फोन फिक्स हैदराबाद टीम के साथ, और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बाजू में बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।